नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई कड़ी पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कड़ी पॉइंट पर आज हम लोग केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन पर हम लोग क्वाड्रेशन कॉम्प्लेक्स पर है क्वेश्चन। हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेशन नंबर 4 में किस कंडीशन पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है, किस कंडीशन पर टेट्राहेड्रल। क्वाड्रेशन नंबर 4, ये क्वाड्रेशन 4 है। अब क्वाड्रेशन 4 पर हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेशन 4 केस में, क्वाड्रेशन 4 केस में कब कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होता है, कब टेट्राहेड्रल। तो हम आपको बताना चाहेंगे स्क्वायर प्लेनर होने के लिए या तो DSP2 हो या क्या हो SP2D। दो केस होते हैं, DSP2 मैक्सिमम केस DSP2 होते हैं, अब कुछ केस क्या होते हैं SP2D होते हैं। मैक्सिमम को DSP2 मैं दिखा रहा हूं, मैक्सिमम केस आपको DSP2 ही मिलेंगे DSP2। और यहां पर अगला केस होता है SP3। तो जो DSP2 होता है उसी को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर प्लेनर में होगा। और जो SP3 होगा वो किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल। किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो सबसे पहले हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्या टर्म है जिससे हम पहचान इजीली पहचान पाए कौन सा टेट्राहेड्रल जाए कौन सा स्क्वायर प्लेनर में। तो आपको इजीली पहचानने का मैं एक ट्रिक बताता हूं कि आप देखेंगे एक होता है निकिल, एक होता है प्लेटिनम और एक होता है प्लेटिनम। इन पर दो चार्ज हो, प्लस टू कॉम्प्लेक्स। ये प्लस टू कॉम्प्लेक्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें ये निकिल जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर ये निकिल किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है। किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है। और PDPT ये चाहे लिगेंड क्या हो, वीक हो, OR क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ये दोनों के साथ क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर की क्या सिचुएशन है, कौन सा मेटल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, मैं आपको जनरली बता चाहता हूं। इन तीनों के केस में अगर आपको और प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको जनरली बताना चाहूंगा D8 मेटल आयन। कौन सा मेटल आयन, D8 मेटल आयन। और D8 मेटल आयन जो होता है 3D का होता है निकिल में, 4D होता है प्लेटिनम में और 5D में होता है प्लेटिनम में। लेकिन लिगेंड हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में केवल दो लिगेंड को पकड़ चलो, CN को जानते रहो और कार्बोनिल को। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं, किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, ये निकिल। लेकिन वीक लिगेंड में चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, प्लेटिनम क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद सब क्या होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। हम आपको कुछ एग्जांपल और बताते हैं कि कॉपर सेकेंड भी क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर विद द क्वाड्रेशन नंबर। किसके साथ, विद द क्वाड्रेशन नंबर 4, विद द क्वाड्रेशन नंबर 4। ये ध्यान दे, क्वाड्रेशन 4 के साथ बनाता है। तो अगर हम लोग कुछ एग्जांपल की तरफ चलें, अगर कुछ एग्जांपल मैं आपको लिखूं, चलो मान लो एग्जांपल मारा है NiCN 4 है, इस पर 2 माइनस है। जरा बताएं ये कॉम्प्लेक्स क्या, बताओ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बताओ। एक साइनाइड पर एक माइनस होता है, चार माइनस बाहर जाएगा, चार प्लस होगा, दो माइनस कैंसिल करेगा। तो बताओ निकिल पर दो प्लस है कि नहीं, और निकिल पर जब दो प्लस होगा तो निकिल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D8 होगा। क्या होगा, 3D8 होगा। एक निकिल का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4S2 होता है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन दो प्लस होने से 4S इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बताओ ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर का है। कैसा है, स्क्वायर प्लेनर का है। और मैंने बताया इसमें कौन सा हाइड्रोजन पाया जाएगा, DSP2 पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, DSP2 पाया जाएगा। लेकिन चलो मान लेते हैं अगर यही एग्जांपल हम बदल दे रहे हैं, अगर यही एग्जांपल हमारा क्या हो जाए, अगर इसी एग्जांपल को हम लिखें कि NiCl4 टू माइनस, NiCl4 टू माइनस देखा जाए तो क्लोराइड वीक लिगेंड है। अगर क्लोराइड वीक लिगेंड है, क्वाड्रेशन नंबर 4 ही है, तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये D8 ही होगा। लेकिन ये वीक लिगेंड है तो बताओ D8 मतलब क्या, बताओ 3D के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड केवल बनाता है, वीक नहीं बनाता, स्ट्रॉन्ग। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका होगा क्वाड्रेशन नंबर 4 जरूर होगा, लेकिन ये लिगेंड क्या है, वीक है। ये किस में जाएगा, SP3 में जाएगा, और जो किस में होगा, टेट्रा
टेट्राहेड्रल में होगा, किसमें होगा, टेट्राहेड्रल में होगा। चलो मान लो मैं आपको एग्जांपल और दिखाता हूं, अगर ये मान लिगेंड आपका क्या है, प्लेटिनम है, PtNS3 ये क्या है 4 है, इस पर 2 प्लस है, निकिल तो न्यूट्रल होता है, तो आप Pt2 प्लस में जो कॉन्फिगरेशन होगा वो 5d8 होता है, और मैंने बताया प्लेटिनम चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो चाहे वीक हो ये किस में जाएगा, DSP2 में जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर, क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर, या स्ट्रांग और वीक की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप स्ट्रांग वीक नहीं ढूंढेंगे क्योंकि लिखा गया है 4d और 5d में जो 3d8 वाले होते हैं वो वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रांग लिगेंड के कॉम्प्लेक्स हो वो हमेशा क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बताओ, स्क्वायर प्लेनर, दैट इज SP बनाते हैं, क्या बनाते हैं, SP बनाते हैं। चलो मान लो मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, अगर मान लीजिए एग्जांपल आप देखें, कुछ एग्जांपल तरफ और मैं चलता हूँ, एक एग्जांपल है ZN NS3 4 2 प्लस, तो बताओ ZN NS3 2 प्लस में अगर देखा जाए तो ZN पर क्या है 2 प्लस है, और ये कितना कॉन्फिगरेशन रखेगा 3d10, तो बताओ ये तो भैया D8 वाला है नहीं, जब D8 वाला नहीं है तो ये किस में जाएगा, ये क्वाड्रेंट नंबर किस में है 4 में है, इसका ऑप्शन होगा SP3, और ये किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल में, किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल में। एक कमाल का इसका क्वेश्चन होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, CuNS3 ये बहुत ही डाउट वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ये ध्यान दें, इसमें कापर पर कितने प्लस होते हैं 2 प्लस होते हैं क्योंकि न्यूट्रल होगा, और इसका कॉन्फिगरेशन होता है 3d9। अब d9 पर हम अगर देखेंगे तो ये d9 ये टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन ये होता क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, और इसका एक्चुअल जो इसका ऑप्शन होता है कुछ इसको बोलते हैं DSP2, और इसको क्या बोला जाता है OR SP2D, इसके आंसर दोनों होते हैं DSP2 SP2 दोनों होते हैं। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये ऑब्जर्व किया गया इसमें दोनों में पाया जाता है DSP2 और SP2 में पाया जाता है, कौन है, टेट्रामीन कापर सेकेंड कॉम्प्लेक्स,